चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मैं तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास बोले, चिड़िया तो निरी अनजान है, निरी मतलब बिल्कुल अनजान। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा, कर सकता हूँ। चिड़िया बोली, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, अनसमझ यानी ना समझ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ बोले, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी को जगत की तृष्णा कहते हैं, तृष्णा यानी लालच। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया बोली, वह सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं, यानी कितने हैं कि मैं गिन नहीं सकता कितने दास दासियां हैं। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, चित्त यानी मन प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रिचिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया बोली, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ बोले, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। सेठ माधवदास कहते हैं कि तेरी वजह से मेरा मन खुश हुआ है और जिन फूलों को देखकर तू खुश हो रही, वह सारे फूल क्या है? तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या, तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती?
मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रहे। चिड़िया बोली, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे मत रोको, रात में अंधेरा बहुत हो रहा है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दाह झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ समझी भी नहीं। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास ने सेठ ने इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। यह बोलते बोलते सेठ ने अपने दास को इशारा किया और वो दास जो है चिड़िया को पकड़ने के लिए चला गया। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला है नहीं उजाला। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ यानी ज्ञात हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और अपनी माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप पर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खुलेगी। बच्चों, यह था चिड़िया की बच्ची पाठ, जिसकी रीडिंग हमने करी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको होमवर्क में अरसल में मिलेंगे। वो प्रश्न उत्तर आप लोग जो है अरसल में अपलोड कर दीजिएगा। धन्यवाद।